अब दोस्तों यहां पर देखिए एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताया गया, ये एक एस्ट्रॉइड्स का फिगर है, ठीक है। अब एस्ट्रॉइड्स देखते हैं क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज। तो यहां पर बताया गया है कि हमने स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना, सूरज, चांद, तारे, लेकिन और भी कुछ साइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे टीनी बॉडीज हैं, ठीक है, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो बॉडीज हैं ये एस्ट्रॉइड्स, इन्हें दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज ऑल्सो मूव अराउंड द सन्स एंड दिस टिनी बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ठीक है दोस्तों, तो एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? दिस आर टीनी और दिस आर टीनी बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दिस आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। इसमें बताया गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा ये जो एस्टेरॉइड्स और मीटराइड्स हैं ये एक प्लैनेट्स के पार्ट हैं जो प्लैनेट बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुका है। अब क्यों एक्सप्लोड हुआ है उसका रिसर्च और उसका रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन बताया गया है कि ये जो जो छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं, जो टीनी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक प्लैनेट थे पहले, वो दिस ऑल आर प्लैनेट, और वो प्लैनेट बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुका है, फट चुका है, और अब वो एक छोटे छोटे पत्थर की तरह वो सूरज के चारों तरफ लगाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर, जैसे हम थ्रू डिस्टेंस में हमने क्या देखा, पहला प्लैनेट कौन है? मरकरी, वीनस। पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर। तो दोस्तों मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्पेस है उसके बीच में ही ये एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, उनके मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने क्या बोला था, साइंटिस्ट ने क्या बताया कि ये कभी एक प्लैनेट हुआ करते थे जो एक्सप्लोर हो चुके बहुत पहले, और अब वो एक छोटे छोटे पत्थरों में ये तब्दील हो चुके हैं। और उनमें सबसे बड़ा जो इसका है, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, इसको सीरीज का नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे बुक में ये भी दिया गया दोस्तों कि ये आपस में एक साथ मिलकर एक प्लैनेट क्यों नहीं बन पाते, ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ जुपिटर, ये आपस में मिल नहीं पाते हैं। ये सूर्य के चारों तरफ इसी तरह घूमते रहते हैं लेकिन आपस में कभी मिल नहीं पाते हैं।